Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और गुड न्यूज़ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए. और मैं आपको उससे पहले बता दूँ, कल यानी कि संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने मदुरई में नए एम्स का फाउंडेशन स्टोन का इनॉग्रेशन करा. और उसमें कितनी सीट्स हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी सीट्स हैं, एमबीबीएस के लिए कितनी सीट्स हैं, और उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या बोला, कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई है मेडिकल में इस बार लास्ट के कुछ ईयर्स में, तो पूरी उसकी मेरे पास डिटेल है, एक आर्टिकल है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ गाइज. और शुरू करते हैं, पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं. लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स इन मदुरई ऑन संडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट इन द लास्ट फोर एंड अ हाफ ईयर्स द एनडीए गवर्नमेंट हैज इंक्रीज सीट्स बाय अराउंड 30%. द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स हैव बीन इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 30% इन लास्ट फोर एंड हाफ ईयर. द 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर बींग एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी केयर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, सेड ANI कोटेड मोदी एज सेइंग. तो उन्होंने अपने भाषण में बोला कि लास्ट के फोर एंड हाफ ईयर्स में यानी कि 4.5 साल में 30% मेडिकल सीट्स जो है वो इंक्रीज हो चुकी है. इसका मतलब है कि हम अगर जब से NDA की गवर्नमेंट आई है उस टाइम से, और जब उस टाइम जब जितनी सीट थी लास्ट के, मैं ये नहीं कह रहा इस बार 30% हुई है, लास्ट के फोर एंड हाफ ईयर्स में ये 30% इंक्रीज हुई है. और जो उन्होंने मदुरई में एम्स का इनाग्रेशन करा है, उसका फाउंडेशन स्टोन लगाया है उस एम्स मदुरई का, और उसके साथ ही तीन और कॉलेजेस का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का उन्होंने एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा है. और उसमें कितनी लागत से वो बन रहा है, कितनी सीट्स उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बन रही है, वो मैं पहले ही उसकी वीडियो बना चुका हूँ. 25 तारीख को मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं. और इन्होंने अपने इस भाषण में आयुष्मान भारत के बारे में बात करी, तो मैं समय बर्बाद ना करते सीधे आपको सीट्स बताता हूँ. सीट्स इसमें जो एम्स बन रहा है उसमें 100 MBBS की सीट्स होने वाली है और 60 BSc नर्सिंग की सीट्स इसमें होंगी. तो मदुरई के स्टूडेंट्स के लिए, साउथ के सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. उन्हें एम्स मिला है एक, और उसका फाउंडेशन स्टोन का इनॉग्रेशन हो चुका है. तो जो बच्चे इस साल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले नीट एग्ज़ाम्स की, 2021 तक मोदी जी ने बोला है कि ये इसका काम पूरा हो जाएगा. बट जो तीन गवर्नमेंट कॉलेज अभी जिनका एक्सपेंशन चल रहा है, वो इसी साल से उनमें सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी. मैंने उस पर पहले वीडियोज़ बना रखी हैं. तो गाइज इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें. तब तक के लिए नमस्कार.